हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति यादव। रेसिपी जरीना की किचन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बैंगन का भरता बनाएंगे जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होता है और बहुत ही पौष्टिक होता है। तो चलिए हम बैंगन का भरता बनाते हैं। बैंगन का भरता बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस पर इस तरह की एक जाली रखेंगे और फिर उस पर बैंगन रखेंगे। बैंगन को भून लेंगे हम। बैंगन को इस तरह से घुमा घुमा कर चारों तरफ से हमें भून लेना है। बैंगन हमें तब तक भूनना है जब तक बैंगन का छिलका जल ना जाए। अगर बैंगन का छिलका जल जाता है इसका मतलब ये है कि बैंगन अंदर से अच्छी तरह से पक चुका है। आप देखिए, इस तरह से देख सकते हैं कि बैंगन बिल्कुल ही पक चुका है। बैंगन के छिलके जो हैं वो भी टूट टूट कर नीचे बिखर रहे हैं। इसका मतलब यही है कि बैंगन पक गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और थोड़ा ठंडा हो जाने के बाद बैंगन के छिलके को छील लेंगे। बैंगन थोड़ा सा ठंडा हो जाने के बाद हम उसे इस तरह से छील लेंगे। ज़्यादा ठंडा हमें बैंगन नहीं करना है, अगर ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो बैंगन अच्छे से छिलेगा नहीं। ये देखिए, बैंगन हमने पूरी तरह से छील लिया है। अगर आपको ये काले काले धब्बे अच्छे नहीं लगते हैं तो आप इसे धो भी सकते हैं, पर धोने से बैंगन के भरते में उतना स्वाद नहीं रह जाएगा। अब हम इसे किसी और बर्तन में रखेंगे। इसके बाद इसके डंठल काट देंगे। अब हम इसे मैश कर लेंगे। ये देखिए, बैंगन हमारा मैश हो चुका है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने गैस पर एक पैन रख लिया है। इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे और तेल को थोड़ा गरम कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें जीरा डालेंगे, 1 पिंच हींग, 2 बड़े प्याज ले लिए हैं जिन्हें हमने बारीक काट लिया है, ये हम डाल देंगे। इसके बाद प्याज को हम 2 मिनट तक भून लेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि प्याज अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे। 3 हरी मिर्च हमने यहाँ लिए हैं। जितना स्पाइसी आप खाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप मिर्च डाल सकते हैं। इसके बाद इन्हें भी मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इन सारे मसालों को हम 1 मिनट तक और भूनेंगे। 1 मिनट चलाने के बाद में हम इसमें टमाटर मिक्स कर देंगे। 2 बड़े कटे हुए टमाटर हमने लिए हैं, इन्हें हम मिक्स करेंगे। नमक आप टेस्ट के अनुसार ले लें, जितना भी आप नमक लें उससे आधा नमक हम इन्हीं में मिक्स कर देंगे। फिर इसे एक बार अच्छे से चला देंगे। अब हम 2 मिनट के लिए टमाटरों को पकने देंगे। ये आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे तरह से गल चुके हैं। अब हम इसमें ये बैंगन डालेंगे। बैंगन को हम मिक्स कर लेंगे। भरते में जितने ज़्यादा टमाटर और प्याज डले होते हैं उतना ही स्वाद आ जाता है। अब इसमें हम बाकी बचा हुआ नमक डाल देंगे, इसे भी हम मिक्स करेंगे। अब हम 2 मिनट तक भरते को पका लेंगे। ये देखिए, बैंगन भी कितने अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और अब ये बैंगन का भरता पूरी तरह पक गया है। अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। 1/4 चम्मच हमने यहाँ गरम मसाला लिया है, इसको मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, इसे भी हम मिक्स कर देंगे। अब बैंगन का भरता बनकर तैयार हो चुका है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे सर्व कर लेंगे। बैंगन का भरता बनकर तैयार है। अब आप भी इसे बनाइए और अपने अनुभव हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप हमारी वीडियोस को G+ करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में।